hello everyone how you guys doing so here in this video we're going to talk about our mp set english literature 2024 exam preparation my name is Pupesh sharma i will introduce you to myself in a much more detailed manner after giving you the analysis of the paper uh, which has come in 2022 right in our upcoming video we will be doing the analysis of the 2023

And then from a theory portion, there were 24 questions which were asked. So now you can see, they are giving you more weightage to the literary theory. From Indian literature, there were 14 questions. From criticism, there were 10 questions. All uh, from the very beginning. Like your Plato, Horace, right? and a few from your later critiques. Uh, like your, uh, we have your Coleridge, your Wordsworth. And the Dryden. Right. Then we have your language and linguistics here. Here again, we had a 10 questions were asked about the syntax, Nam Chomsky, right? Uh, the another one we have your Soster, right? And the mostly they were asking the basics, right? Like your semiotics, semantics, uh, of the linguists, the linguistics, the basics of it, right? and some of the very famous theorists, as i said, your Noam chomsky, from terms, research methods and material, and the remaining other literature, like a russian or american. right? only a few questions were asked. one of the questions uh, that stuck to my mind was uh, from uh, the death of the salesman by the Arthur miller that we also had studied in our masters, right? term sequence question. round seven to eight questions. जो इंटरेस्टिंग लगा मुझे रिसर्च मेथड एंड मटेरियल से अराउंड सिक्स क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे ठीक है और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको देखना अच्छा लगता है क्योंकि ये समवेयर विल आल्सो हेल्प यू इन योर यू नो इन एनी फर्दर जर्न एनी फर्दर जर्नी अभी आप अपना यू नो पी के लिए अप्लाई करोगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पे भी आपको रिसर्च की हेल्प करती हैं ठीक है और ये अच्छी पहल है कि इन्होंने इस तरह के यूनिट्स को इंक्लूड किया है ठीक है जैसे कि लिंग्विस्ट हो गया लैंग्वेज हो गया मटेरियल्स हो गया ये सब भी बहुत अच्छा है अदरवाइज प्रायर टू दिस आपका ब्रिटिश लिटरेचर को ही इतना वेटेज दिया जाता था कि एट द एंड वो कहीं काम उतना आता नहीं था आप डेट्स रट लो बाकी चीज़ें रट लो वो कहीं काम में आ नहीं रहा है ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे इससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आई टीच यू गाइज राइट मैं आपको ऐप पे पढ़ाता हूँ एंड बिसाइड दिस आई प्रोवाइड यू गाइज दी स्टडी मटीरियल भी और आपका ये मॉक टेस्ट सीरीज भी ठीक है जी ये है सो लेट मी हाइड माई सेल्फ फॉर अ अल So, आप इस पर थोड़ा फोकस कर सके ठीक है आई होप यू कैन सी इट नाउ ठीक है सो so, यहाँ पे आपका आपको सेपरेट जैसा मैंने कहा कि आपको आ, अपना लिटरी जो थ्योरी है वहां से हमारे क्वेश्चन अच्छे खास बन रहे हैं तो लिटरी थ्योरी का हमारे पास यूनिट जो है सेपरेटली भी है बुकलेट ठीक है ब्रिटिश लिटरेचर का भी है और ये कंप्लीट कॉम्बो आपको राउंड फोर नाइन फाइव जीरो का मिलता है ये स्टडी मटीरियल है आपका है ना बिसाइड दिस क्लासेज आर ऑन विच आर गोइंग ऑन और योर ऐप ठीक है आपके क्लासेस भी हैं आपका स्टडी मटीरियल भी है और आपका मॉकस सी है एम्प्लीट पैकेज यू कैन गेट इन एलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है इसका ऐप जो का जो हमारा लिंक है वो मैंने देखे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिसाइड दिस दिस नंबर इज ऑल्सो है आई होप यू गाइस कैन सी दिस ऑन योर स्क्रीन है ना आपको विजिबल होगा ये नंबर है ना विजिबल है राइट right? तो दिस इज़ द नंबर मैं यहाँ पे आपके लिए इसे लिख देता हूँ नाइन सिक्स टू फाइव वन ज़ीरो वन फोर डबल नाइन ठीक है आई हैव क्वालिफाइड माई जे आर एफ राइट एंड ऑल्सो दी एच पी पी एस सी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर एग्जाम ठीक है जो आपका अभी यू नो हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट हुआ था ये एग्जाम आपका टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में तो उस दौरान uh, मैंने कमीशन का एग्जाम अपना क्वालिफाई किया था अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली ठीक है अब आगे चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई नो वरीज सो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रेपरेशन करवाता हूँ राइट सो यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स यू कैन गेट एक्सेस टू दी स्टडी मटीरियल ठीक है ताकि आपकी प्रेपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके कम बैक टू दाइड वेर आई वॉज टीचिंग यू द क्वेश्चन विच वस्ड In the... Give me a one second. ठीक है इरिटेट तो नहीं होते ना आप थोड़ा पेशेंस तो आप में होगा पेशेंस बहुत जरूरी है इस प्रेपरेशन में पेशेंस नहीं है फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए ठीक है नाउ लेट्स मूव अहेड फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी इसके जो पहले आपके फिफ्टी क्वेश्चन थे दे दे मस्ट बी फ्रॉम योर पेपर है ना सो हे यू हैव दिस एवरी मैन इन हिज ह्यूमर हम इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे आठ दस क्वेश्चंस हैं इनको हम गो थ्रू कर लेते हैं ठीक है फिर हम बाकी के क्वेश्चन बाद में देखेंगे और हम टूमारो वी विल ऑल्सो गो थ्रू अवर एम पी सेट टू एग्जाम दोनों में कंपेरिजन भी ड्रॉ कर लेंगे स्टेटिस्टिक्स देख लेंगे दोनों के ताकि हम एक अच्छे से अपनी अप्रोच डेवलप कर सकें ठीक है और मैंने तो कर ली है आप लोगों के लिए आ, मैं ये चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगा आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं और लेट्स सी तो आपका एवरी मैन इन इज ह्यूमर वाज अ बेन जॉनसन राइट बेस्ड हिज करैक्टर्स ऑन द फोर ह्यूमर्स ऑफ मेडिवल फिजियोलॉजी आपने भी देखा होगा कि हमारे आयुर्वेदा में वात पीत कफ ठीक है होता है ना उसके बेसिस पे आपकी पर्स पर्सनैलिटी डिफाइन होती है अगर आप में वात है तो आप एक क्रिएटिव किस्म के इंसान हैं ठीक है आपकी बॉडी थिन होती है जिनका जिनका पित होता है वो हाइपर एक्टिव होते हैं लोग ठीक है आई थिंक मेरा जो ह्यूमर है दैट इज अ पित मे बी ठीक है और फिर तो जो कफा होता है ठीक है आ, फिर आपका कफ होता है कफ के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा मेरा कफ भी है वात भी है मैं जो है तीनों गुणों का बना हुआ इंसान हो ठीक है तो पर ऐसा होता है सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है पर यहाँ पे जो है ये ग्रीक्स के अकॉर्डिंग इनके चार ह्यूमर्स होते हैं ठीक है सेंगवाइन मेलंकली ब्लैक बाइल येलो बाइल ठीक है तो ये आपके आ, जो है इसमें फोर ह्यूमर्स इनके प्ले में हमें देखने को मिलते हैं एवरी मैन इन इज ह्यूमर तो उनका जो टेम्परामेंट है उनके जो बॉडी में किस तरह का फ्लूड है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिहेव करते हैं इसे हम कहते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर ठीक है देन वी हैव वट इज मिरेक्ल प्ले ठीक है तो इस तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चन हुए थे ठीक है यू हैव सीन एट द वेरी बिगिनिंग द ड्रामा वॉज वॉज जस्ट इमर्ज ठीक है इट जस्ट केम इन टू बींग प्राइमरली बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द रिलीजन

start reaching to the more and more people agar kisi language mein aap kuch likhoge right the people will surely be drawn towards reading that okay? so chaucer has played a very massive role in uh, in developing the, the english language uh, into the language of writing okay? into the language of the academics okay? if you obviously have written something a piece of the writing or literature the, the academics डमीज योर इंस्टीट्यूशन विल श्योरली वुड लव टू टेक इट इन टू कंसिडरेशन फॉर द इंटरप्रटेशन तो वो सब चीज़ें हैं द मेरा इसमें क्या होता था आपका मेराकल में जो आपके लाइफ ऑफ सेंट्स हैं उनके बारे में होता था हमारे मिस्ट्री जो प्लेज होते थे देवर अबाउट देवर अबाउट हमारे जो मिस्ट्री जो प्लेज होते थे देवर प्राइमरली अबाउट योर द लाइफ ऑफ देंट द स्टोरीज विच आर टेकन फ्रॉम द बाइबल ठीक है उसे वो लिए जाते थे और फिर आपके मॉरलिटी प्लेज होते थे जहां पे जनरल लाइफ की चीजें होती थी दे दे वर मूविंग अवे फ्रॉम द रिलीजन बिकेम मोर ठीक है रिलीजियस टॉपिक डिस्कस नहीं होते थे आपके जैसे लव रिलेशन हो गए बाकी जो कुछ सोशल चीजें होंगी ठीक है आपका पर्सनल लाइफ इशूज हो गए उस पर वो बेस्ड होते थे आपके प्लेज ठीक है तो अगर मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो तब तक आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए ठीक है चाहे आप जो है कोर्स में एनरोल करो चाहे आप स्टडी मटीरियल लो चाहे आप अपना सेल्फ स्टडी करो ठीक है ओके okay. और इसके साथ आपकी अच्छी अच्छी प्रेपरेशन जाएगी आपका जो है नेट का भी हो जाएगा और प्ले फ्रॉम फॉलोइंग लाइंस आर टेकन ठीक है दिस कोट फ्रॉम शेक्सपियर थ्री ऑफ आर दीज राइट लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो it is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing he sound and fury tha ye, i guess and sound and fury tha. and uh, william faulkner has also written one of his uh, novel on this on this title which he has taken from the macbeth hai. so ye macbeth say ye, uh, ye lines aapke draw gaye these, these lines are taken from the macbeth एंड ऑल ऑफ दीज गाइज आ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ठीक है ये आपको स्टडी करना है ठीक है नोट्स में आपको ये ऑल फोर प्लेस मिल जाएंगे ठीक है और दूसरा टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लो ठीक है फॉर द अपडेट्स और मैं वहाँ पे क्विजेज भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ सो so, वहाँ से भी हमें हेल्प मिल जाएगी ठीक है मतलब जितना हो सके हमें एक एग्जाम का एनवायरमेंट क्रिएट करना है अपने आस पास उसी तरह की चीजें रखनी है एग्जाम से रिलेटेड हो एग्जाम से रिलेटेड चैनल से रिलेटेड अपने बुक्स एग्जाम से रिलेटेड लोग है? JRR, है? में आपके में, MP, MP में भी आऊंगा अभी ठीक है एक्सपीरियंस uh, है यहाँ पे एच पी का जो मेरा कमीशन का एग्जाम हुआ था एम पी घूमना भी हो जाएगा और मैं आऊँगा टू गिव दैट एग्जाम आई थिंक अभी जून में हो रहा है ठीक है नाउ वी है ड्राइडन लव

तो हमें एक्टिव होना ऐसे नहीं किसमें आप एकदम यू नो लेस एक्टिव हो जाओ कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ठीक है अन इंटरेस्टिंग सा है ठीक है आपको इंटरेस्टेड बनाना है ठीक है ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है अभी फोर टू फाइव मंथ्स की ठीक है इवन दो रिलीज सेपरेटली अभी ट्वेंटी तारीख को आपका जो है लास्ट डेट एग्जाम तो आप एग्जाम

ठीक है उनके लिए एक एनवायरमेंट बनता है उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है दे आर लाइक ए नो दे इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन अबाउट अबाउट द पेपर एंड अबाउट द एग्जाम फ्रॉम द कॉग्निजेंट पर्सन राइट तो आपके लिए जर्नी ना इजी हो जाएगी दैट द मेन पर्पज राइट सो इन विच ऑफ द इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज सेनेकन एलिमेंट्स आर टू बी फाउंड अब सैनिका कौन थे आपके ही अ ग्रीक ट्रेजेडियन राइट ही वॉज अ ग्रीक ट्रेजेडियन एंड सम ऑफ हिज टेक्नीज विच ही यूज टू प्ले विच ही यूज टू यूज इन हिज प्लेस लाइक द बारबर्स करैक्टर्स ठीक है ब्लड शेड हॉरर ठीक है तो वो किसने लिए थे आपके थॉमस कीड द स्पेनिश ट्रेजडी थॉमस कीड हु योर थॉमस कीड ही वॉज अ वन ऑफ योर यूनिवर्सिटी इवेट्स और आपने मुझे ये भी बताना है यहाँ कॉमेंट सेक्शन में लिख के मुझे नहीं पता यार कितने बच्चे यहाँ तक आए होंगे ठीक है तो सो मेक श्योर यू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन द नेम ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी बेट्स ठीक है सम ऑफ यू माइट हैव रेड दिस मे बी दिस इज अ सेकेंड अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट आई डू नॉट नो बट मेक श्योर ठीक है नो ईगो ठीक है ईगो लेके नहीं घूमना लाइफ में ठीक है आई बिन थ्रू दैट जर्नी आप एक समय होता है कि जब आप में ईगो होती है बट वो किसी काम की नहीं होती लेट योर वर्क स्पीक ठीक है लेट योर कर्मा डू ऑल द थिंग ठीक है मेरी क्या पर्सनैलिटी है वट आई एम दैट डजेंट मैटर दैट इज जीरो वट मैटर्स हु यू आर यू डू ठीक है वो मैटर करता है दोस्त तो ऐसा है हम सोचते हैं ना क्या मैं क्या लाइक like करूंगा मैं क्या कमेंट करूंगा ठीक है मैं छोटी छोटी चीजें नहीं करता बी द बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस आप वो मेरे लिए नहीं लिख रहे हो आपको उससे रिवीजन में हेल्प होती है ठीक है दैट इज द मेन थिंग ठीक है दूसरा ट्यूटर को भी एक यू you नो know, एक एक मोटिवेशन मिल जाता है कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि चूज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक ठीक है अब वाइचर ले कॉन्गरीब एंड फाकुहा ये प्ले राइट्स थे हमारे रेस्टोरेशन पीरियड में एंड वर राइटिंग द कॉमेडी ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बारे में भी वो लिख रहे थे कॉमेडी ऑफ मैनर्स देर मेकिंगस हाउ दे अपियर दे ऑलवेज शो दैट दे आर द मैन ऑफ द वैल्यूज मैन ऑफ द मॉरल बट इन साइड दे आर रोटन राइट सो देर शोइंग लाइक दे इज अ करैक्टर कॉल हॉर्नर इन वन ऑफ द प्लें देट वॉज बाय द कंट्री वाइड वे दिस द करैक्टर इज प्रटेंडिंग टू बी इंपोर्टेंट दट ही इज नॉट रियल मैन एंड ही वेंट Into this high class society where the husbands of their, like the husband allow this man to stay with their wives at home. They thought that he's important what he can do. But he was not. He was just playing with them. And it shows that how their wives are getting into relationship while their husbands are out. So it showed that society that what was actually happening back then. And this interest of uh, these plays uh, was coming, this influence was coming from the French theater. ठीक है जो चार्ल्स टू थे इस एज में रेस्टोरेशन एज में ही वॉज इन एग्जाइल बिकॉज इज फादर चार्ल्स किल्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय दू वॉज द रिपब्लिकन ठीक है ये थोड़ा हिस्ट्री का बैकग्राउंड है हम ये हर एक चीज डिस्कस करेंगे क्लासेज में ठीक है और आपको स्टडी मटेरियल में भी ये चीजें मिल जाएंगी ठीक है बस आपने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहना है ठीक है ये चीजें तो विक्टोरियन एरा कब से कब तक था हमारा ठीक है ये चीज़ भी आपने डिस्कस करनी है कहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना है रोमेंटिक एज कब से कब तक थी हमारी ठीक है एलिजाबेथन एज कब से कब तक थी हमारी ठीक है ये चीज़ें ठीक है।, है ये चीज़ें आपने डिस्कस करते रहना है सो so, बाकी के क्वेश्चन भी हमारे इसी तरह से हैं इजी से क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइम मैंने आज ज़्यादा ले लिया आप लोगों से फर्स्ट टाइम था मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था थोड़ी बातचीत हमारी ज़्यादा हुई ठीक है uh, हो सकेगा तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द लाइव लाइव सेशन ठीक है अभी मेरी क्लास होती है आठ बजे सो आई हैव टू लीव फॉर दैट उसका अब थोड़ा प्रेपरेशन होता है एंड टुमारो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन एंड ऑल्सो दी विल डू द एनालिसिस ऑफ द टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन पेपर ओके जी सो विल विल मीट यू टुमारो दिस इज़ भूपेश शर्मा साइनिंग ऑफ और क्लासेस के लिए बाकी स्टडी मटेरियल एंड फॉर द टेस्ट सीरीज आपको लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो सी यू टुमारो हैव अ ग्रेट टाइम